मध्य प्रदेश के सागर में अब नगर निगम में बड़ी बगावत देखने को मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी के 30 पार्षदों ने महापौर संगीता सुशील तिवारी का खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पार्टी के संगठन के साथ खुद विधायक शैलेंद्र जैन ने इसकी कमान संभाली, साथ में कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के साथ सभी पार्षद विधायक नगरी प्रशासन विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय से मिले हैं और महापौर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। स्वादिष्ट व्यंजन और रूफटॉप रेस्टोरेंट के साथ होटल सागर इन, पार्टी हॉल, एसी, नॉन एसी, लग्जरी रूम उपलब्ध। पता याद रखें, हनुमान मंदिर के पास, सिविल लाइन, सागर। आरोप बड़े संगीन लगाए गए। साथ ही पार्षदों ने कुछ भ्रष्टाचार के मामलों के साथ महापौर की जांच कराने की भी बात की है और जांच होने तक उनके वित्तीय पावर पृथक करने की मांग भी रख डाली है। शिकायतों में सूत्रों के हवाले से जानकारी है कि महापौर के कई प्रतिनिधि हैं, जिसमें सुशील तिवारी जो महापौर पति हैं वो सांसद प्रतिनिधि की हैसियत से बैठते थे। MIC की बैठक में भी उनका दखल था। उस वक्त तत्कालीन सांसद राज बहादुर जी थे, अब सांसद लता गुड्डू बानखेड़े हैं। अभी वर्तमान सांसद की तरफ से नगर निगम में अपना कोई सांसद प्रतिनिधि नहीं बनाया गया है, तो किस लिहाज से सुशील तिवारी नगर निगम में महापौर के कक्ष में बैठते हैं, यह सवाल पार्षदों ने खड़ा किया है। इसके अलावा उनके भतीजे रिशांक तिवारी और उनके बेटे किस हैसियत से महापौर कक्ष में बैठते हैं, यह भी शिकायत की गई है। कुछ नोटिस नगर निगम ने जारी किए थे, उनकी भी शिकायत का हवाला दिया गया। सिविल लाइन में नगर निगम के खर्चे से सुशील तिवारी ने एक मकान डिसमेंटल किया था जो उनके बेटे के नाम पर है, उसकी भी शिकायत कैलाश विजयवर्गीय से की गई है। इसके अलावा महापौर के चैम्बर में संगीता तिवारी नहीं उनके प्रतिनिधि बैठते हैं और कुछ असामाजिक तत्वों का भी वहाँ जमावड़ा रहता है जो पार्षदों की बेइज्जती करता है। MIC की बैठक नहीं हो रही है, नगर निगम के सम्मेलन भी नहीं किए जा रहे हैं, जिसकी भी शिकायत विभागीय मंत्री से की गई है। बहरहाल अब भाजपा कई गुटों में बढ़ती दिखाई दे रही है और अपना अपना पावर, अपना अपना जलवा दिखाने की होड़ लगी है। इस शिकायत को विभाग के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बड़ी गंभीरता से लिया है। अब यहाँ सागर में भाजपा की लड़ाई कांग्रेस से नहीं, अब लड़ाई भाजपा की भाजपा से है। वर्चस्व की लड़ाई वर्चस्व से है, ताकत की लड़ाई ताकत से है, यानी भारतीय जनता पार्टी अब आमने सामने है। सागर की राजनीति में यह भूचाल वाली खबर है कि आने वाले दिनों में यह मामला और गहरा सकता है, जिसका खामियाजा कांग्रेस को नहीं भाजपा को ही उठाना पड़ेगा। सागर एक्सप्रेस न्यूज की ब्यूरो रिपोर्ट। स्वादिष्ट व्यंजन और रूफटॉप रेस्टोरेंट के साथ होटल सागर इन, पार्टी हॉल, एसी, नॉन एसी, लग्जरी रूम उपलब्ध। पता याद रखें, हनुमान मंदिर के पास, सिविल लाइन, सागर।